السلام عليكم. सलाम वालेकुम बेटा, बाकी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्होंने आज। आप लोग प्लीज टाइम टेबल को नोट कर लीजिए। आप ग्रुप में टाइम आ गया है ना, टाइम टेबल सही है। आज की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी स्वाप हो गई है, मतलब ऐसे नॉर्मली 1 से 2 था तो 12 से 1 हो गया। तो प्लीज आपको जो ग्रुप पे टाइमिंग मिली है उसको फॉलो कीजिएगा। तो बेटा आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? चले शुरू करते हैं। तो बेटा लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने बात डिस्कस करी थी वो थी अबाउट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फिलअप करते हो। एंड वी हैव डिस्कस्ड द 3 रूल्स, 3 प्रिंसिपल्स फॉर दिस ना, कि आपके पास कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो होंगे इन ऑर्डर टू पुट अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा सबको आवाज आ रही है? सब मौजूद है या नहीं है? ओके तो कोई स्टूडेंट बेटा ऐसा तो नहीं जो पिछले जिन्होंने पिछले वीक में क्लासेस को अटेंड ना किया हो? कोई न्यू स्टूडेंट हो? इज देयर एनीवन? चले मतलब सारे पुराने स्टूडेंट हैं तो दिस इज गुड। तो मैंने लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले जो एक रूल को डिस्कस किया था वो था ऑक्वा प्रिंसिपल, कि जिसके अंदर हमने बात करी थी कि भाई आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे पुट करते हो, कि यू आर पुटिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक स्ट्रक्चर और इन अ सब शेल बाय हैविंग द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। हम इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, सही। तो जिसमें बेटा पहली चीज जो आपके पास है वो ये है, फिलिंग द ऑर्बिटल्स में, व्हिच इज नंबर 1 इज ऑफ़बा प्रिंसिपल, ठीक है।
फिर दूसरा प्रिंसिपल जो आपके पास था वो था बेटा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट बेसिकली कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया बेटा कि इन एन ऑर्बिटल, एक जो आपका ऑर्बिट है जैसे कि एस शेल के अंदर जो ऑर्बिट है उसके अंदर कभी भी कुछ जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर नॉट इन द सेम पोजिशन। एक हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में होगा और एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में होगा। ये दो चीजें होंगी हमारे पास बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेलिंग ईच अदर। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को आपस में बेटा रिपेल करता है जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो दोनों की ओपोजिट होती है। मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ कि सपोज करो कि ये एक ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने की वजह से एक इस डायरेक्शन में जाएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, दूसरा बेटा तीसरा रूल आपके पास था हुंस रूल। ठीक है, जिस पर हमने लास्ट क्लास में बात खत्म करी थी। हुंस रूल आपके पास बेटा ये स्टेट्स करता है जैसे कि हमारे पास पी ऑर्बिटल मौजूद है और उस पी ऑर्बिटल के अंदर आपके पास बेटा तीन सब शेल्स मौजूद, जिसमें पहला है पी एक्स, देन फिर पी वाई एंड द थर्ड वन इज दी पी जेड। ओके, अब इसमें फिलिंग ऑर्डर कैसे होगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स पहले हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल एडजस्ट होंगे एंड व्हेन ऑल दी ऑर्बिटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन फिर जाकर वो पेयरिंग करेंगे। ठीक है, अगर आपने इस तरह करा कि भाई आपने एक ऑर्बिटल को पहले पूरा फिलअप कर दिया एंड देन फिर आप दूसरे ऑर्बिटल की तरफ चले गए तो आपके पास वहां पर इफेक्ट आ जाएगा रिपल्जन का। सही, जिसकी वजह से जिसके जो नुकसान होंगे वो हम लोग आगे जाके बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी। बट इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक काम दिया था और ये फाइल भी मैंने आपके साथ आई थिंक शेयर कर दी थी। ये फाइल सबके साथ शेयर हो गई थी नहीं हुई थी? हाँ, ये फाइल मैंने आपके साथ बिल्कुल शेयर कर दी थी एंड फॉर मैंने आपसे कहा था कि आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करेंगे, तो किस किसने कर ली? किसने करी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये? नहीं करी? तो बेटा ऐसा अगर आपने जिस स्टूडेंट ने नहीं करी तो वो अपने साथ की बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस शुरू से नहीं करोगे तो इन दी एंड ये सारी चीजें आपके ऊपर बहुत ही ओवरलोड हो जाएंगी। समझ नहीं आ रही थी तो वो एक अलग बात है, लेकिन यू जस्ट हैव टू ट्राई। आपको ट्राई बिल्कुल करनी थी। आप जो अगर कोई मसला है तो फिर मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे कि बेटा आपको बस ये वाली डायग्राम जो है वो दिमाग में रखनी है। ये वाली डायग्राम किस किस को समझ में आई है और किस किस को इस डायग्राम में अभी भी मसला है मुझे ये बताओ। ये तो ऑफबर प्रिंसिपल पे दिस वन। वापिस बता दे। चलिए ठीक है, वापिस बता देते हैं बेटा। देखो अकॉर्डिंग टू ऑफबर प्रिंसिपल उसने आपसे कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स को आप किसी भी शेल्स में पुटअप कर रहे होंगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उस शेल में जाएंगे कि जिनके अंदर जिसकी एनर्जी कम है, और जैसे जैसे शेल्स की एनर्जी बढ़ते चले जाएगी आप उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। सही, ये था आपके पास डायग्राम्स में एरोस की पोजीशन। बेटा डायग्राम बनी हुई बिल्कुल ये डायग्राम बनी हुई नहीं होगी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये डायग्राम बनी हुई नहीं होती है। सही, अब देखो बड़ी आसान सी बात है, हम लोगों की ये जो डायग्राम है वो टॉप टू बॉटम इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग एनर्जी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा अगर हम बात करते हैं आपके पास है पहले शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सिर्फ एक, एक ही सब शेल है, वन एस। आप सबसे पहले ऐसे लिख दो। ठीक है, फिर
फिर आप दूसरे शेल में चले गए, एनर्जी बढ़ गई 2s। फिर दूसरे शेल में ही हो लेकिन एनर्जी फिर से बढ़ गई टू 2p, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा दूर रखा। तीसरे शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं बेटा? 3s, फिर 3p एंड देन 3d। और चौथे शेल में आपके पास चार सब शेल होते हैं, 4s, 4p, 4d और 4f। सही, आप चाहो तो इसको फिर से एक बार मेरे साथ बना दो। अब देखो सबसे पहले कौन सा शेल फिल होगा, एरो आएंगे अपसाइड डाउन ना, ऊपर से लेके नीचे तक। आप इसको डायगनली डायगनल में एरो बनाते रहो, ये एक डायगनल, सही, ये दूसरा डायगनल, फिर ये देखो खुद ही बन रही ये डायगनल, समझ आई बात? अब अगर आपके ये डायगनल्स आपको समझ में आ गए, आपने इस तरीके से लिखा पेपर में भी, आप चाहो ना तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर उस वक्त नहीं याद है तो उसको एस, सारे एस को इसके नीचे लिखो, पी को उसके नीचे लिखो, डी को उसके नीचे लिखो, एफ, ये चार आपको याद कर, और फिर आपने डायगनल्स में ये एरो बना दी। सही, अब देखिएगा अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा आपके पास है एक एलिमेंट कैल्शियम, इसके पास प्रोटॉन नंबर है 20, मतलब इसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन भी 20 है। सही है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा फर्स्ट शेल, 1s2, क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा। सिर्फ चार, फोर्थ नंबर, चार नंबर तक तुम याद कर लो काफी है तुम्हारी। जब चार नंबर तक याद कर लोगे प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसके आगे का पैटर्न खुद ही समझ में आ जाएगा। सही है, तो एटलीस्ट ये चार तक आपको याद करना है, बाकी आगे का पैटर्न आपको खुद ही समझ में आएगा। और कैसे समझ में आएगा? जब आप लोग वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बार अपने हाथ से लिख लोगे। अब देखिएगा जैसे पहला है बेटा 1s2, सही, इसके बाद हम किस शेल में चले गए? सेकेंड शेल में, 2s2, फिर कहाँ चले गए बेटा? ये 2s भी खत्म हो गया, फिर 2p6 एंड देन 3s2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो चार आठ, और 2 4 6 10 और 12 हो गए। और फिर 3s के बाद हम किधर जाएंगे? 3p6 एंड देन 4s2। इसको देख कर लिखना है आपने बेटा, ये पावर नहीं है, आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी माइंड, या ये आपकी फर्स्ट क्लास है? देखो बच्चा आपके पास हम लोग जो लिखते हैं ना इस तरीके से 1s2, अच्छा ध्यान रिशु था, कोई बात नहीं। देखो ये जिस तरह मैं लिख रहा हूँ ना 1s2, तो इसमें ये 1 जो है ये शेल नंबर है, आप जिस शेल में हो। एस जो है ये इसका सब शेल है, आप किस सब शेल में जा रहे हो। और जो ऊपर ये नंबर लिखा हुआ है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स है। आपको ये बात तो बिल्कुल शायद पता होगी, मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई एस सब शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। सही, तो जब आप फर्स्ट शेल में गए और फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है एस, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं बेटा? 2। तो हमने लिखा 1s2, ये शेल कंप्लीट हो गया, सब शेल भी कंप्लीट हो गया। अब आगे चलो, दूसरा बेटा 2s, 2s अगेन 2, इससे ज्यादा मैक्सिमम कुछ नहीं है। फिर बेटा 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अरे बात समझ में या नहीं? शुक्र है। अब आप लोग सब जो है, मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आप लोग मुझे अभी सॉल्व करके बताएंगे। मैं आपके पास देख रहा हूँ बेटा, ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, बेटा जो मैंने दिए ना दिन, तुम सिर्फ वो करो। ये वाली तीनों करके बताओ, चलो शाबाश।
एल्यूमिनियम माइनस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी वन ठीक है एंड सही है। अब मैं लिख रहा हूँ देखिएगा बेटा माइनस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी वन इस पर चले जाएंगे तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी टू एंड फॉर द क्लोरीन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, ऐसे ही आइए बेटा बस सब ठीक। तो ये बेटा इसका तरीका है सही। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, कुछ इसमें पॉइंट्स हैं कि जो आप लोग डिस्कस करोगे। जैसे कि बेटा मैं बात करता हूँ ये कैल्शियम की, मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूँ, ये जो कैल्शियम, अब कैल्शियम के अंदर एक चीज है जो बड़ी डिस्टर्बिंग है। वो डिस्टर्बिंग चीज ये है कि अगर आप इसके पैटर्न को समझो कि देखो ये वन ये टू ये टू ठीक है थ्री एस थ्री पी, यहां तक बात तो क्लियर है। लेकिन बेटा इस थ्री पी के बाद एक्चुअली मैं अगर मैं देखूं तो थ्री पी के बाद कौन सा आपके पास ऑर्बिटल आना चाहिए था, थ्री डी ठीक है। लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली थ्री पी के बाद कौन आ रहा है आपके पास बेटा, फोर एस आ रहा है देन फिर थ्री डी आ रहा है, समझ आ रही है बात। तो ये इसके अंदर एक एग्जामिनर का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वो पूछेगा भाई व्हाई 4s इज फिलिंग लेटर, बल्कि 4s जो है वो पहले फिल हो रहा है 3d से, समझ आ रही है बात। देखो इसका पैटर्न अगर मैं देखूं, अब जो मेरे समझ में लगी है थोड़ी बात, के भाई 1s 2s 2p 3s 3p ये सारी चीजें है ना ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई इसमें जाते हुए कि जो आपका 4s है तो 4s पहले क्यों आ रहा है और 3d बाद में क्यों आ रहा है, एक मिनट दीजिएगा। बिल्कुल, तो बेटा इसका रीजन ये है, देखो एक कॉमन सेंस की बात है, आपका जो 4s और 3d ये जो दो शेल्स हैं, अब इसके अंदर जो 4s का शेल है वो बहुत ही छोटा है जबकि 3d का शेल बड़ा है। ये बात मुझे कैसे पता चल रही है बेटा, 3d के d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इन दोनों में से कौन से ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, वो 3d की एनर्जी ज्यादा है और 4s की एनर्जी कम है, समझ आ रही है बात। तो बेटा इसी वजह से इन ऑर्डर टू फिलिंग हमारे पास जो रूल है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाते हैं ना, यही रूल है ना। तो अगर एग्जामिनर तुमसे खुद कह रहा है कि भाई 4s पहले भर रहा है और 3d बाद में भर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा है, दैट्स व्हाई हमारे पास ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, समझे, समझ आई बेटा बात। अम्मार, महीन, रुमेल, उमर, बेहतरीन। अब इसका रीजन भी मैं आपको प्रॉपरली तौर पर दिखा देता हूँ कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप ये वाला आंसर उठा के उसको दे दोगे, वो खुश हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा, ठीक है। ये रहा कि फॉर पोटेशियम 4s इज फिल्ड बिफोर 3d बिकॉज 4s हैज अ लोअर एनर्जी लेवल देन 3d, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा, अब एक बड़े जबरदस्त सी बात है, मैं इसके नीचे वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहा हूँ, तो देखो चीजें कितनी सिंपल हैं और
सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है, कॉन्सेप्चुअल है, समझ में आने वाली बात है। पहले तो हम लोग हवा में बातें करते थे, दो आठ 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 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए आ रहे हैं लेवल्स में, पता किसी को कुछ है नहीं, लेकिन अब थोड़ी सी लॉजिकल बात हमें पता चल रही है। अब इसमें देखिएगा बेटा कि यहाँ पर अगर इस कैल्शियम के बाद मैं एक और एलिमेंट देखता हूँ विच इज स्कैंडियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है 21। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखें तो ये हो जाएगा बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। और इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, 3d1। ठीक है, लेकिन एक और चीज आपको बताऊं, देखो जब ये दोनों शेल, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 4s और 3d की, जब ये दोनों शेल एम्प्टी हैं, खाली हैं, तो जरा मुझे जल्दी से बताना, जब ये दोनों शेल खाली हैं तो इनके अंदर किस शेल की एनर्जी ज्यादा है और किस शेल की एनर्जी कम है, जब ये दोनों एम्प्टी हैं, खाली हैं। हाँ नहीं, असफर देखो, जब ये दोनों खाली हैं कंपैरेटिवली, ठीक है, तो 3d का शेल बड़ा है ना, 4s के शेल कम है, छोटा है, तो 3d की एनर्जी ज्यादा है कि व्हेन ये दोनों एम्प्टी, और 4s की एनर्जी कम है, जब भी तो 4s पहले भर रहा था और फिर 3d भरता है, मेक सेंस, ओके। लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं कि जब मैंने 4s को फिल कर दिया, 4s2 हो गया और 3d एम्प्टी पड़ा हुआ है अभी, तो 4s को, 4s जब फिल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि दैट 4s शेल इज नाउ बिकम द स्टेबल वन, ठीक है, और जब ये स्टेबल हो गया तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो अब कंपैरेटिवली अब किसकी बारी आएगी बेटा भरने की, 3d की। ठीक है, तो इसीलिए आप हमेशा पहले 4s को भरोगे, जब 4s जो है वो फिल हो जाएगा, ठीक है, देन फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3d में जाएंगे। सही आ रही है बात समझ में? फिर d में कब तक जाएंगे, जब तक d पूरा 10 तक नहीं भर जाएगा तो हम लोग आगे शेल में नहीं चलेंगे। आ रही है बात समझ में? अब बेटा मुझे जरा जल्दी से, बहुत ही आराम से, सुकून से दो तीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करो और मुझे लिख के बताओ। टाइटेनियम, और मैं आपको बता रहा हूँ एक टाइटेनियम की और एक आयरन की। सही, टाइटेनियम का बेटा आपके पास प्रोटॉन नंबर है 22 और आयरन का है 26। चलें, शाबाश, टाइटेनियम 22, आयरन 26, सुकून से काम करेंगे बेटा, कोई जल्दी नहीं है, हमें समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी।
ठीक है, टाइटेनियम के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इट बिकम्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड देन 3d2। ठीक है, आयरन के अगर लिखेंगे, अब देखो बार बार इतनी लंबी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये भी जो है वो एक टेंशन वाली बात है ना, कि यार इन सब चीज़ों में अगर मैं हम देखते हैं कि भाई यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही, ठीक है, और आप जब देखते हो बेटा कि यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं हमारे पास, 6, 6, 12, 14, 16, 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है, और 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नोबल गैस पर खत्म होते हैं। आप इस तरीके से भी इसको आसान कर सकते हो, सही है। अब जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल पे देखा कि भाई नोबल गैस पे कहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, नोबल गैसेस क्या होती है बेटा, जो भी ग्रुप नंबर 8 के आपके पास एलिमेंट्स हैं एंड ग्रुप 8 के एलिमेंट्स के आउटर शेल कंप्लीट होते हैं, सही। तो चलो अभी काम करते हैं, अभी इस पॉइंट को रेस नहीं करते, छोड़ दो, अभी हम पूरा लिखते हैं ताकि हमें याद हो जाए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड देन फिर यहाँ पर रहेगा 3d6। ऐसे ही आ रहा है बेटा सबका, चेक कर लेता हूँ मैं, आप सब अपना मुझे मैसेज कर दिया है, ठीक है, अब अस्पर सही आया बेटा तुम्हारा, और अदीन तुम्हारा भी ठीक है, बस बाकी बाकी बच्चों ने नहीं भेजा, रुमेल बेटा तुमने नहीं भेजा, माहिन बेटा मैंने Fe करके बताया ना, ये रहा Fe, 26 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, सही है। देखो अगर इसमें मसला हो रहा है 1s2 2s2 करने में, तो आप एक काम करो ना, आपके पास ये डायग्राम है, आप इससे देख कर चलो, सही, पहले क्या 1s2, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, देन फिर 4s, 3d, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते रहो जब तक वो फिल पूरे ना हो जाए, समझ आई बात, कोशिश करो, शाबाश, होगा होगा बेटा, सबको यहां तक बात क्लियर है। एक और एक दो और एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, आप लोग करिएगा बेटा, अभी निकेल 28, निकेल 28, और फिर एडेन 18, सही बात आर्गन की गलत अमार, तुमने निकल की थोड़ी गलत लिखी है बेटा, 4s2, देखो डी में आपके पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना,
तुमने 3D6 के बाद 4P क्यों लिखा? भाई डी में तो मैक्सिमम 10 आ रहे हैं ना, तो तुम 3D8 ही लिख दो। हाँ दीन अब सही है, असफर बेटा ठीक है, माइन आपने नहीं भेजा अभी तक बेटा। ठीक है बेटा सही है, यस डन ओके। हाँ किसका नहीं हो रहा, निकल का नहीं हो रहा या आर्गन का नहीं हो रहा, ये दोनों का नहीं हो रहा। हाँ ये है, अगर आप पुराने वीडियोस में से देख लोगे ना, पुराना जो लेक्चर है, तो ये चीज आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज स्टूडेंट्स भी शायद कुछ इस वजह से एब्सेंट, क्योंकि टाइमिंग की वजह से। तो बेटा अब आपका जो टाइम है वो फॉलो होगा जो आपके पास ग्रुप में आ गया है। सही, कल जो हमारी क्लास होगी, कल हमारी क्लास है 11 बजे, और मैं क्लास से पहले आपको रिमाइंडर भी इंशाल्लाह लगा दूंगा। मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे बेटा, कल हमारी क्लास है सुबह 10 बजे, 10 से 11 हमारी क्लास होगी कल सुबह। ठीक है, तो काइंडली आप लोग कल इस टाइम पे अवेलेबल हो जाइएगा, क्योंकि फिर कल की क्लास के बाद हमारे पास 2 दिन का गैप आएगा ना, तो उस 2 दिन के गैप में हमें काफ़ी सारी चीज़ें, मैं आपको पास पेपर्स के साथ साथ उसको क्वेश्चन भी दूंगा, तो प्लीज़ कल वाली क्लास को बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ऑफिस।